हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कंटिन्यू थर्ड पार्ट लेकर लेक्चर थर्ड नंबर यानी लेकर आए हैं आपके लिए क्लास टेंथ का। जैसा कि आप लोग पता है कि क्लास टेंथ किस में एसएसटी यानी सोशल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से हम लोगों ने दो वीडियोज ऑलरेडी, दो लेक्चर हो चुके हैं। चैप्टर टू है, चैप्टर वन की वीडियोज ऑलरेडी डली हुई चैनल पर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसकी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो बिल्कुल आज हम लोग देखेंगे संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है। मैं थोड़ा सा पिछले वीडियोज को बता दूं आपको, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सरकार क्या होती है, लोकतंत्र के बारे में थोड़ा बहुत देखा, उच्च सदन निम्न सदन क्या होता है, सरकारें कितने प्रकार की होती, केंद्र वाली, राज्य की और नगर निगम और ग्राम पंचायत सरपंच की, ये सब कैसे काम करती हैं। थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा कि दो सरकारें होती हैं, ठीक है, बेसिकली हम पे राज करती हैं। उसी के आगे हम लोग देखते हैं कि संघीय व्यवस्था और एक होती है कि एकात्म व्यवस्था। एकात्म व्यवस्था क्या होती है, संघीय व्यवस्था इसको हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग आज समझेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, काम कैसे करती है। अभी तक हम लोग केवल ये देखे थे कि संघीय व्यवस्था क्या होती है और एकात्म व्यवस्था क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंट है, ये हम लोग ने देखा था। लेकिन ये काम कैसे करती है, अब डिटेल देखेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। आई होप कि आपने पिछली वीडियोज जरूर देखा होगा। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है। ये आपका है संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के, यानी क्या कह रहा है, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। यानी कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है, किसको कारगर का मतलब होता है, बहुत अच्छे से काम चलाने के लिए, अलॉन्ग समय के लिए बहुत अच्छे से चले कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी। संवैधानिक मतलब होता है जो पूरा कानून नियमों को पास करते हुए संसद पास करे, राज्यसभा पास करे, राष्ट्रपति पास करे, उसके बाद एक कानून बने, वो संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कानून होते हैं, जिसके तहत बनाए गए रूल ज़्यादा जरूरी होते हैं। प्रावधान जरूरी है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर या भर का होना नहीं है, केवल संवैधानिक प्रावधान होना ही संघीय व्यवस्था को नहीं चला सकते। वो तो जरूरी है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जरूरी होती है। संघीय व्यवस्था होना ठीक है, उसके लिए संवैधानिक प्रावधान भी होना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी चाहिए, इतना इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। यानी संघीय व्यवस्था यहाँ पर इसलिए चल पा रही है क्योंकि यहाँ की जो राज्य सरकारें हैं, जनता है, सब लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र यानी उनका कैरेक्टर जो बहुत सही है, इस अनुकूल है, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आपका मैप दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं मैप में क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए दिया सन 1947 का भारत आपको दिखा रहा है। सन 1947 का भारत कैसे दिखता था, देखिए यहाँ पे जैसे ये है कश्मीर अपना, श्रीनगर, रावलपिंडी वगैरह, जम्मू और कश्मीर, है ना। हाँ, तिब्बत ये है जो चीन वाला भाग है, तिब्बत का पठार जो तिब्बत में है, चीन इधर देखिए बसा हुआ है, जो कि चीन ने इसको ले रखा है, इस पर अधिकार किया हुआ है, ठीक है। बर्मा है ये जो यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, ठीक है। ये देखिए अपना मध्य प्रदेश है, भारत ये बता रहा है, यहाँ पे बिहार युक्त नेपाल, नेपाल देखिए यहाँ पे है, असम है, सभी मतलब भूटान, सिक्किम, जितने देश हैं छोटे छोटे, अफगानिस्तान पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, कराची, पश्चिम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान देखिए यहाँ से लगा हुआ पूरा ये हिस्सा था जो कि भारत से अलग हुआ है, ठीक है। ये भारत का हिस्सा था, पहले जुटा हुआ था, इसको अलग करके पाकिस्तान नाम दे दिया गया जो कि हमारा पड़ोसी देश हो गया है। ये देखिए यहाँ से ये पूरा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, ये पंजाब वाला, यहाँ से पूरा कटिंग करके ये देखिए बनाया गया है, यहाँ से पूरा यहाँ पे ये गया है, ठीक है। और इधर ये पूरा वर्मा, और यहाँ पर यह जो आपका शिलांग, इम्फाल वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। तो ये मतलब बहुत पहले का है, ये अगर बोले जाए तो 1947 का भारत है जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है। हैदराबाद, पुणे वगैरह देखिए सब सभी है लगभग लगभग, ठीक है। और नीचे देखते हैं अगर हमारा, जिसमें दिया है हिंद महासागर, सीलोन देखिए इसको श्रीलंका को पहले कहा जाता था, ठीक है। मैसूर, बेंगलोर, मद्रास वगैरह, नेल्लोर है पश्चिम, ये मद्रास पांडिचेरी है फ्रेंच की, मतलब यहाँ पर सभी, गोवा वगैरह देखिए पुर्तगीज जिसको कहा जाता था पहले, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बम्बई है जो आपके बॉम्बे है इस समय, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, देखिए पाकिस्तान, संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल के बृहत्तर भाग, यानी कि बहावलपुर स्टेट, भारतीय देसी राज्य, भारतीय देसी राज्य जो थे इस तरह से अंकित किए गए हैं, जो देसी राज्य थे, ठीक है। तो ये देखिए ये भी अलग हो चुका है, ये सब चीज़ें इसमें बताया हुआ है।
बंगाल के बृहद भाग, ये जो बंगाल वाला भाग अलग हो गया था, तो ये 1947 का जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब का ये थोड़ा नक्शा दिखाया है क्या कैसे है। आगे चलते हैं, अपना कंटिन्यू देखते हैं। इसमें कहा है, संघवाद की भावना विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। ये हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, अंग्रेज़ों का सीधा सीधा कहना था कि मतलब कि आप अपना एक संविधान बनाओ जिसके तहत आप पूरा देश को चलाओगे जिस कानून से, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ से हमारा कानून ख़त्म हो जाए, जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता आप हमारे कानून से काम चलाओ। तो इसीलिए 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 50 तक चलता रहा उन्हीं का संविधान, अंग्रेज़ों का। और जब हमारा बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी को जो लॉन्च हुआ था अपना क्या संविधान, तो उस तब से अपना कानून चलने लगा था। लेकिन जब आज़ाद हुआ था तो उसमें कई सारे स्वतंत्र राज्य थे जिनको मिलाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा राज्यों को मिला लिया था। लेकिन कुछ थे दो तीन जो कि नहीं मिल रहे थे, जैसे जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ था शायद, और हैदराबाद वगैरह। तो ये चीज़ें हैं, इनको फिर जबरन मिलाया गया था, या कुछ जम्मू कश्मीर का केस अभी तक चल रहा है, आप देख रहे हैं, देखेंगे हम लोग, इसमें आपको मिलेगा आगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चले कि यह कामकाज किस तरह हो पाया है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं आगे हम। यहाँ पर दिया है भाषाई राज्य क्या है, भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, उनको डिवाइड करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे यहाँ की, कि भाषा के आधार, जैसे अपने यहाँ रीवा में बघेली बोलते हैं बुंदेलखंड में, ठीक है, और इधर सिंधु प्रांत पूरे में बघेली बोली जाती है और खड़ी भाषा भी बोली जाती है, ऐसे ही सभी राज्यों का अलग अलग अपनी भाषाई भाषा थी राज्य की, जिनके आधार पर राज्यों को डिवाइड करना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए, ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए, अनेक पुराने प्रांत क्या हो गए, गायब हो गए थे, कई नए प्रांत बनाए गए, कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए, यानी कि बदल दिए गए थे, ठीक है। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। देखो, नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 में भारत दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल देगी, जो बाउंड्री होती है कि यहाँ से आपका मध्य प्रदेश लगेगा, यहाँ से नहीं, तो ये होती सीमाएं, ठीक है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृत, भूगोल अथवा जातीयताओं, है ना, कि विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। यानी कुछ होता है कि जो कि भौगोलिक, किस भूगोल के आधार पर उनका, जहाँ पे वो राज्य बनेगा वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ की जड़ जमीन, पानी, है ना, क्षेत्र, जंगल कैसे क्या होता है, वो भी देखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ किया गया इसमें, आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड है, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं, ठीक है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन, ये देखिए यहाँ पे कई राज्यों को डर हो गया था, कई राज्य नेताओं को या राष्ट्रीय नेताओं को, कि इस तरह देश टूट जाएगा, क्योंकि भाषा के आधार पर हम दान करने लगे तो बहुत सारे देश या राज्य वो आगे चलकर देश भी बन सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे होने लगा था। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें सरकार इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषा व राज्य बनाने से देश ज़्यादातर एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया था। इसमें क्या होता है कि प्रशासन अगर एक ही भाषाई, अलग अलग भिन्न भिन्न भाषा के लोग एक जगह रहेंगे तो उसमें जरूर रूप से खन्न फिन्न होता रहता है, झगड़े, अगर अलग अलग भाषा के लोग होंगे तो अपना मिल डल के, यानी कि वहाँ पर प्रशासनिक दबाव नहीं पड़ता है और आराम से रहते हैं। तो इससे क्या हुआ था कि जहाँ तक इनको पता है तो उससे क्या विषय बात किया सही था। चलिए देखिए, यहाँ पे एक मैप दिया गया है, यहाँ पे भारत राजनीतिक दिया है, इसमें राजनीतिक तौर पे कैसे, ये देखिए अलग अलग कलर के सभी हैं यहाँ पे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो डैश डैश होगी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा डैश डैश बनी है। राज्य सीमा भी पतले से बनी होगी, राज्य सीमा जो डैश डैश है राज्य सीमा है, ठीक है।
राजधानी शहर भी यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दिल्ली को भी बताया गया। ये देखिए दिल्ली बनी हुई है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल है ना, भूटान, बांग्लादेश, ये जो निकल गया है, म्यांमार वगैरह, मिजोरम, नागालैंड, इधर श्रीलंका नीचे होगा, ये अपने राज्य हैं, गुजरात वगैरह, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों को अलग अलग कलर से यहाँ पे भाषाई रूप से बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये हिंद महासागर, सिलोन यानी श्रीलंका भी है यहाँ पे, देखिए। तो ये एक, क्या आपका गांव या शहर आज़ादी के बाद से एक ही प्रांत के अंतर्गत रहा है? अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का क्या नाम था? इसे पूछ रहा कि आप जहाँ रह रहे हो उस राज्य का नाम पहले क्या था, ठीक है, या फिर जहाँ थे वहीं आप हो, या फिर वहाँ की भाषा ही अभी भी है। क्या आप 1947 के 3 राज्यों के ऐसे नामों को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए हैं? तो कई सारे ऐसे हैं जो कि बदल गए हैं नाम। 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों को काट कर बनाया गया है, बड़े राज्यों को काट कर बना दिया है, जैसे झारखंड वगैरह, बिहार वगैरह, इधर से काट करके पूरा निकाल दिया गया था, सही ना। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि अलग हो गए हैं। तेलंगाना देखिए अलग हुआ है यहाँ से, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे ऐसे हैं, कई सारे हैं जो कि मिल सकते हैं, उनको अलग किया गया। चलिए आगे नीचे देखते हैं हम लोग, भाषा नीति क्या होती है। भाषा नीति, ठीक है, भाषा नीति भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। दूसरी परीक्षा की पहली क्या हुई? भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा करना, ठीक है, पहली समस्या थी। दूसरी क्या चुनौती आई? परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों को मातृभाषा है, केवल 40%, 60% नहीं है बेटा। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने, ठीक है, उनको चुनना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी परीक्षा दे सकता है, वहाँ का भाषा अगर उसका है। टोटल मिला के 22 भाषाएँ हुई हिंदी को। इस हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को दर्जा है राज्य भाषा में, लेकिन उसमें चुनना पड़ेगा आपको ऑप्शन कि हम हिंदी इसमें बोलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे पंजाबी ले लो, कोई भी है जैसे, ठीक है, तो उसमें होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दे सकते, बस तो उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की अपनी अलग अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। हम अपने यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए राज्य भाषा हिंदी है और हिंदी में ज़्यादातर काम होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। देखिए इंग्लिश का जो प्रचलन था वो बंद होना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, इसका प्रयोग अभी भी जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था कि केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया है। वो देखो, मतलब इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया था, वो बंद नहीं हुआ था, जबकि बंद कब हो जाना चाहिए था आपको, सीधा सीधा 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन बंद नहीं हुआ था। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा हेर फेर हुआ, और इसमें तमिलनाडु में देखिए उग्र रूप ले लिया था कि जब तक अगर अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में भाषा नहीं माना जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा वो कहा कि इसका अगर उन्होंने आदर दे करके यानी कि आदेश दे करके यूज कर सकते हैं, सुलझाया है मैटर को, ठीक है। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुँचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। देखिए यहां पर यह मतलब नहीं कि केंद्र सरकार चाहती है कि हर राज्य पर थोपा जाए जहां पर अंग्रेजी ज़्यादा है या पंजाबी है, नेपाली, मतलब अलग अलग भाषाएँ जो कन्नड़ वगैरह हैं, सभी अलग अलग, सही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है भाषा, इसलिए भाषा को कि हिंदी हमारी मातृभाषा है 40% लोगों का, तो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो और भाषा बोलते, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है उसी से हम श्रीलंका जैसे स्थिति में पहुंचने से बच गए। इससे लचीला, मतलब लचीलापन ये हुआ कि जबरदस्ती नहीं थोपा गया कि आपको हिंदी को राजभाषा ही मानना है। इससे क्या कि श्रीलंका जैसे यहाँ पे दुर्घटनाएं नहीं हुई, क्योंकि श्रीलंका में हो गया था, वहाँ थे, क्योंकि जो राजा राजभाषी क्षेत्र से आते थे जिनकी बहुमत हो जाती थी वही थोपने की जबरदस्ती कोशिश करते थे। ये बहुत ज़्यादा उग्र प्रदर्शन हुआ, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। भाषा नीति हो गई, भाषा नीति में ये सारी चीज़ें हैं, 22 भाषाएँ आपको ध्यान रखना है। हिंदी अपनाएं, देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, हिंदी अपनाएं,
केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों का संबंध कैसे बना था ये देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ, केंद्र राज्य और आपस में कैसे साथ साथ रहते थे, सत्ता के साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। अनुसरण मतलब सीखते हैं और उसको पालन करते हैं, ठीक है। पहला चुनौती क्या था कि भाषा के आधार पर बंटवारा करना, दूसरा था भाषाई नीति बनाना, यानी भाषा नीति बनाना, ठीक है, कि किस भाषा को राजभाषा, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिलेगा। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि कांग्रेस बहुत समय तक हमारे पास केंद्र में भी और राज्यों में भी ज्यादातर था। मतलब यह कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य क्या कर रहा, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। यानी कि जो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की कि चलो हो गए जो चला रहे हैं चलने दो। इन दोनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। वो देखो कितनी खतरनाक हुआ वहाँ पे, मतलब दबाने की कोशिश, हर तरह से तोड़ने की कोशिश चल रही थी। ये देखिए केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, जो कि संघवाद इसे नहीं कहते हैं। 1990 के बाद से स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ 1990 की दशक में, ठीक है। हम तो 1990 की बात है, यानी 1994 में तो मेरा जन्म हुआ, तो उस समय की बात है। मतलब ये हमारे से पहले ये वो चीज़ हुआ था, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। केंद्र में भी गठबंधन की सरकारें आने लगी थी धीरे धीरे, तब जाके कुछ बदलाव हुआ था। क्योंकि एक छत्र डायरेक्ट एक राज करती थी कांग्रेस पूरे मतलब बहुमत के साथ, फिर उसके बाद बदलाव आना चालू हुआ। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था फिर उसके बाद बहुत दिन बाद चलता रहा, देखते हैं आगे क्या हुआ, नहीं मिला। इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती थी, ठीक है, समझ रहे होंगे। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। यानी ये पनपी कि जब छोटे छोटे दल मिलकर के क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार में बैठने लगे तो अपनी अपनी बातों को भी रखने लगे, उनका भी अधिकार हो गए, वो भी सरकार में हो गए केंद्र सरकार। अब तो सुनना पड़ेगा केंद्र सरकार को, क्योंकि अगर अब राज्यों की अनदेखी करेंगे तो राज्य सरकार अपना वोट बैंक ले लेंगी, अब वैसे ही केंद्र सरकार गिर जाएगी, भंग हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि एक अपनापन उपलब्ध हुआ, जिससे कि वो राज्यों को भी बढ़ावा देने लगी। तो जो खत्म हो गई थी परंपरा वो अब आने लगी, यानी कि संघवाद फिर से आने लगा था, ठीक है। संस्कृत पनपी, इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले का कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी हुआ। यानी कि जब कानून बना, संविधान आ गया, तब तो मज़ेदार हुआ, क्योंकि उसमें फिर सब कुछ सही था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कुछ बनाया कानून जिससे कि वहाँ पे केंद्र सरकार डायरेक्ट राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकती थी, उसके भी रूल रेगुलेशन होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, बात बोले भेद बोले। क्या दिए, गठबंधन सरकार क्या होती है, गठबंधन की, गठबंधन सरकारें इसमें बहुत चलती हैं, आप देखे होंगे बिहार में देख रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें गठबंधन कई राज्यों में ऐसे चली हैं, जैसे पहले यूपी में चलती थी, एमपी में बहुत कम चली हैं। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर बनाई गई सरकार, है ना, क्या होती है भाई, यहाँ पे को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं कि हमारा इतना हिस्सा होगा, हमारा इतना हिस्सा, हम ये क्षेत्र अपनाएंगे, ये हम क्षेत्र अपनाएंगे, मतलब साझेदारी वहाँ पे हो जाती है, तब जाके गठबंधन बनता है। जिसके ज़्यादा नेता होते हैं उसका अधिकार ज़्यादा होता है, वो तो स्वाभाविक है, वो लेगा ही। तो इस प्रकार गठबंधन की सरकार हो जाती है। लेकिन गठबंधन की सरकार टूटती है, क्योंकि जब वो अपना अपना हिस्सा लेने लगते हैं तो कोई जबरन, कोई जबरदस्ती, कोई अपनापन, जो बड़ी पार्टियां होती थी इसमें क्या होता कि उसमें तोड़ भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये है ज़्यादा प्रभावी हुआ। आगे चलते हम लोग, क्या दिया यहाँ पे, राज्य कुछ और शक्तियाँ मांग कर रहे हैं। देखिए राज्य कुछ और शक्तियाँ मांग कर रहे थे। देखिए केंद्र सरकार है,
राज्यों की शक्तियां इसमें भरी हुई थी। देखिए यहाँ पे राज्य यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए, सभी नेताओं को थोड़ा थोड़ा दिखाया गया राज्यों के। ठीक है, ये केरला का दिया गया है, ये कुछ मद्रास लिखा हुआ है, उड़ीसा, यहाँ पे बंगाल वगैरह कुछ लिखा है, बिहार लिखा हुआ है। ये कुछ राज्य और इसमें राज्यों की शक्तियां भरी हुई थी, जो कि ये इंदिरा गांधी लोग हैं, इनसे मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से कि हमें और भी कुछ अधिकार दे दो केंद्र से। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा पिक्चर बनी हुई है ना, कुट्टी लाम्फिक विदु कुट्टी, ये दिया है यहाँ पे कुछ। देखते हैं आगे, देखिए गठबंधन सरकार की कुर्सी कैसे होती थी। ये गठबंधन सरकार है, हमेशा जलती रहती थी, इसमें सभी अपना अपना लकड़ी लगाते थे ताकि सभी पार्टियां मिलजुल करके लूट सके। चलिए, गठबंधन सरकार में क्या होता है, गठबंधन की सरकार में कभी भी बड़े काम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई गठबंधन सरकार में, हर पार्टियां जितने भी भाग लेंगी वो सब चाहेंगी कि पूरा काम जो हो हमारे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसमें खींचातानी हमेशा चलती रहती लूटपाट की, इसलिए उसमें टूटने की संभावना और जलता रहता है, वाद विवाद होते रहते हैं। ये देखिए गठबंधन की सरकार ऐसे ही कुछ रहते हैं। तो आगे चलते हैं, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, पूरे एनसीईआरटी बुक ही है। यहाँ अंकित दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया है कैसा होता है। यह राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियाँ दे दो। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुलित रखे, ये सब पिक्चर बताती हैं। ये क्या कह रहा है भाई, आप यह कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्या आप गंभीरता से कह रहे हैं? क्षेत्रवाद जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रवाद रहेगा, क्षेत्रीय नेता बनेंगे तो उससे क्या होगा कि हर क्षेत्र को अपना अपना एक महत्व मिलेगा और उसमें उसके लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी और अधिकार मिलेगा। आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, भारत की भाषाएं विविधता। अब भारत में अनेक भाषा ने जन्म लिया, बहुत सारी भाषाएं थी, देखते हैं कौन कितने परसेंट भाषा थी। जैसे अभी पीछे बताया गया कि मातृभाषा के रूप में हिंदी को केवल 40% लोग ही अपनाते हैं, ठीक है, तो उसको राज्य भाषा के रूप में स्वीकार कर लिए थे काफ़ी राज्यों ने। भारत में कितनी भाषाएं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। 1300 भाषा, मतलब कितनी भाषाएं, विविधता इसी को कहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिए, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसे ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इतना जोड़ा गया, मतलब इतना कलेक्ट करके उनको इकट्ठा किया गया, फिर भी 121 भाषाएं पाई गई अलग अलग। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। कौन सा अनुसूची में, ये ध्यान रखना है, 8वीं अनुसूची में, ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है, और 22 भाषाओं को रखा गया, हिंदी और एक और 21 अलग, 121 भाषाओं को, इतने 1300 थी जबको उनको मिलाने पर 121 भाषाएँ बनी थी, इन संसूचित भाषाएँ कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित क्यों कहा गया भाई, क्योंकि अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची में रखा गया, इसलिए इनको अनुसूचित भाषा कहा गया। जिनको नहीं रखा गया, क्या कहा गया, गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। भाषा के मैटर में देखा जाए तो भारत सबसे विविधता वाला भारत देश है, जिसमें कि बहुत सारी भाषाओं ने जन्म लिया। साथ लगी सूची को देखने पर स्पष्ट हो जाएगा, लाग सखी, ये देख लेते हैं सूची को, भारत के अनुसूचित भाषाएं जो जो उसमें अनुसूचित गैर नहीं है, जो लिस्टित की गई है 8वीं सूची संविधान में, वो चीज़ भाषा। असमिया 1.26% लोग ही केवल बोलते हैं, कितना कम लोग बोलते हैं। बांग्ला 8.03 बोलते हैं, बोडो 0.12, डोगरी 0.21, गुजराती 4.5, हिंदी देखो 43.63। 2011 का जनगणना अभी नहीं हुआ है, फिर होगा तो पता चल जाएगा। कन्नड़ 3.6, कश्मीरी 0.05, कोंगड़ी यानी कि 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम है 2.88 है, देखिए मणिपुरी 0.15, मतलब छोटी छोटी भाषाएं भी शामिल है। संस्कृत, पंजाबी, उड़ीसा, नेपाली, यहाँ पे देखिए मराठी 6.86, ये भी काफ़ी है, नेपाली कम है, उड़ीसा 3.16, पंजाबी देखो है, संस्कृत ना के बराबर है, संथाली 0.61, सिंधी देखो है, यहाँ पे तेलुगु है ठीक है 6.0, तमिल, उर्दू 4.19, यानी हिंदी सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, भारत देश में।
चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे साथ लगी सूची को देखने पर स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% के लगभग ही लोगों की ही मातृभाषा। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह संख्या 50% से ही कम होगी फिर भी, ठीक है। हाँ, जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने ही इसे अपनी मातृभाषा बताया था, 0.02, बहुत कम। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर अगर 11% लोग इसे जानते थे तो इस सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को कीजिए। इस सूचना के आधार पर बार या पाई चार्ट बनाइए। बार या पाई चार्ट होता है जो कि गणित का एक हिस्सा है, उसमें बनाना पड़ता है। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाइए। नक्शे में विभिन्न इलाकों को अलग अलग रंग से भरें और दिखाएं कि किन इलाकों में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऐसे 3 भाषाएं ढूंढें जिनको भारत में बोला तो जाता है पर जो सूची में नहीं है उनको कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए हो चुका है आपका, भाषा के बारे में हम लोगों ने देखा। स्रोत यहाँ से लिया गया है, ये वेबसाइट दिया गया है 2011 की जनगणना के हिसाब से। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग पहुँचते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जैसे दिया है यहाँ पे, क्या समझा क्या जाना, ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा पूछा। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख ने उद्धृत निम्नलिखित उद्धरणों को पढ़े। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2016 को छापा गया था। उसको पढ़ने के लिए कह रहा कि इसमें और अच्छा उद्धरण मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी भाषा के बारे में, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, यानी कि ये एक समिति थी जो कि एक रिपोर्ट पेश की थी कि कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन होना है या करना है। अपने दौर में और अपने तरीके से इतने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे, और भाषा के आधार पर इन प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा, भाषा के आधार पर, झगड़ा नहीं होगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया, यानी कि भाषा के आधार पर कर दिया गया था और भाषा की नीति भी बना दी गई थी। आगे देखते हैं, विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। विभाजन क्यों हुआ, धार्मिक आधार पर, जैसे मुस्लिम ज़्यादातर थे पाकिस्तान चले गए, कुछ बांग्लादेश बंगालियों ने बांग्लादेश चले गए, हिंदू जो ज़्यादातर संख्या में थे अपने भारत देश में रह गए, लेकिन कुछ भी अभी भी यहाँ पर विविधता है बहुत तरह की। तो ये हुआ था कि गांधी जी और या बहुत से नेताओं ने ये कहा था कि जिनको भारत देश में रहना है वो किसी भी जात के हों रह सकते हैं, और जिनकी स्वेच्छा है मुस्लिम भाइयों की तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं, बंगालियों की बांग्लादेश जा सकते हैं। अलग अलग विभाजन हुआ है, ठीक है। तो बहुत से मुस्लिम भाई ऐसे थे जो कि अपने ही देश में हैं और अभी भी हैं, और उनकी जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है और उनको सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। तो ये बहुत अच्छा कदम था, एक तरह से मान सकते हैं कि भाई जिनकी इच्छा नहीं है तो नहीं जा सकता, क्योंकि उनका भी हिस्सेदारी है भारत को देश आज़ाद कराने में और उनका भी घर बार यहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं, पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़ भारत भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। नेहरू पटेल है ना, सरदार भाई पटेल जो थे, और नेहरू जी हैं, राम जी राजा जी हैं, इनके मन में कौंध रहा था कि भाषा के आधार पर कितने देश का बंटवारा होगा। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की, वो और मजबूत कर दी। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय, बंगाली और भारतीय, अथवा तमिल और भारतीय, गुजराती और भारतीय जैसे दो दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है, यानी कई भाषा के रूप में वो जीता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ था, जो कि उनका जो कौंध रहा था विचार वो रुक गया। ये विवाद सुगत तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते हैं कि भाषा के आधार पर विभाजन गलत था। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया, भयावह, क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रमण जैसे श्रीलंका में हुआ था, बेल्जियम में, वैसे नहीं हुआ। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वाले भाषाओं का, भावनाओं का ख्याल ना रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ और इस प्रकार की होती, एक भाषा 14-15 राष्ट्र हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल। अपने राज्य या अन्य किसी ऐसे राज्य को उदाहरण लें जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित हुआ। यहाँ तो तर्क दिया गया है, उसके पक्ष या विपक्ष उदाहरणों के साथ टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया है, हम लोग पेज नंबर इसमें आगे पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी काफ़ी है, यहाँ पे है ना, अभी काफ़ी लंबा पार्ट था। भारत में विकेंद्रीकरण क्या है, भारत में
विकेंद्रीकरण अब हम पढ़ेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था को हमने देखा कैसे कैसे काम करता है, राज्यों का पुनर्गठन, क्या क्या समस्याएं आई भाषा को लेकर, भाषा नीति को लेकर, कई भाषाओं को मान्यता देने में, कितने राज्य को पुनर्गठन करने में सारी समस्याएं। अब हम लोग देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। तो ये देखिए यहाँ पे इनके विचार आ रहा है ट्रेन में बैठे बैठे। अच्छा तो यहाँ ये तो हमारे यहाँ रेलगाड़ी के 3 टीयर कोच जैसी व्यवस्था है। अच्छा तो हमारे यहाँ रेलगाड़ी के 3 टीयर जैसे कोच की व्यवस्था है, मुझे तो सबसे निचला बर्थ ही अच्छा लगता है, सबसे नीचे वाला, है ना। ट्रेन में जब जाते हैं तो उसमें 3 बर्थ होते हैं, एक अपर और एक मीडियम, मिडिल का होता है और एक लोअर होता है, सबसे नीचे वाला बर्थ, जिसमें कभी भी आप उठ बैठ सकते हैं, जूते चप्पल रख सकते हैं, बाहर जाके तुरंत बैठ सकते हैं, कोई झंझट नहीं कि ऊपर वाला देख रहा क्या नहीं, सीधा पड़े रहो। और ऊपर वाला होता है, जब ऊपर वाला अपर वाले में जो बैठे होते हैं तो उनको बीच वाले से बता के भाई भाई थोड़ा हटना चढ़ना पड़ता है। तो भाई कह रहा है कि यहाँ पे 3 टीयर जैसे कोच की व्यवस्था है तो मुझे सबसे निचला बर्थ ही अच्छा है, कि हाँ भाई क्षेत्रीय चीज ही रहना चाहते। देखिए यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे इसके तंग जो कसा गया है वो क्या है। भारत में भी केंद्रीकरण का हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती, 2 होनी चाहिए, इससे अधिक हो सकती है। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। भारत के जो प्रांत हैं तो वो भाई बहुत, जितने बड़े अपने यहाँ राज्य हैं प्रांत हैं उतने बड़े तो यूरोप में देश हैं, समझ रहे हैं, तो ये चल नहीं सकता। भारत के प्रांत यूरोप से स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है, बताइए। रूस जैसे गणराज्य यानी कि देश, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में बड़ा है, बताइए क्या कह सकते हैं इसको। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं, इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, 3 स्तर पर, ठीक है। हाँ, जिसमें तीसरा स्तर क्या हो सकता है ये हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया है, तीसरा स्तर क्या हो सकता है, स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो, प्रांतीय राज्य सरकारों के नीचे का स्तर हो, जो कि है ना तीसरा स्तर कह रहा है, स्थानीय सरकार हो, सरकार के नीचे। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया, इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आया। देखिए 3 स्तर की सरकारें बनी, अभी तक हम लोग देखे थे एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अब तीसरा है जो कि स्थानीय सरकार होगी, जिसे हम आगे देखते हैं। इसमें कहा संघीय ढांचा सामने, इसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया, स्थानीय शासन, ठीक है। जब केंद्र और राज्य सरकारें से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं तो यह इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार देती है स्थानीय सरकार को और कुछ राज्य सरकार देती है उनको स्थानीय सरकार को, ठीक है। तो इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण, मतलब भिन्न भिन्न अधिकारों का, भिन्न भिन्न सरकारों का एक जगह मिल करके अधिकार विकेंद्रीकरण, यानी कि वहाँ पर मिला जुला, ठीक है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। भाई यहाँ की समस्या मान लो, जैसे हम लोग रीवा नगर में रहते हैं, भाई अगर यहाँ पे देखा जाए कि भाई यहाँ पे जो नाली नदियों की समस्या है, शहरों की समस्या है, तो क्या केंद्र सरकार आएगी वहाँ से देखने, या राज्य सरकार जो कि भोपाल में बैठी हुई है वो कैसे जानेगी यहाँ की समस्या। एक स्थानीय सरकार समस्या नगर निगम जो होती है वो देखेगी, ग्रामों में यानी ग्राम पंचायत होती है वो समस्या को सुलझाएगी। इनको ही स्थानीय सरकार कहा गया, जिनका MCD वगैरह चुनाव कहा जाता है, नगर निगम का चुनाव कहा जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि नगर निगम की स्थानीय अपने आप में एक सरकार होती है पूरी तरह से, इनमें अलग होता है। इनको देखते हैं प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी आ जाते हैं इनको, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सरकार है। ये ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य सरकार के द्वारा भी मिलती हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी इनको दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। स्तर को स्थानीय सरकार, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। बढ़िया, लोगों को अपने इलाके की ठीक है समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। ये स्थानीय लोग ही अपने आसपास के क्षेत्र में, वहाँ से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं जान सकता कि हमारे क्षेत्र में क्या जरूरत है और कहाँ पैसा खत्म करना है, इसके लिए स्थानीय सरकार जरूरी है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है, इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका। स्वशासन, खुद स्वशासन चला सकते हैं पूरी तरह से,
ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। विकेंद्रीकरण की क्या है कि हमारे संविधान में भी स्वीकार किया गया था कि कैसे होता है, चलिए देखते हैं। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था, सीधे नियंत्रण में रखा गया। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे, इसके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था, यानी कि केवल नाम मात्र का हुआ था, एक्चुअल में नहीं हुआ। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को, यानी कि 1992 में फिर इनको जगा और ये अब कुछ कदम ऐसे उठाएंगे जो कि प्रभावी होगा, ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया और शक्तिशाली इनको बनाया गया और एक्चुअल में सीरियस लिया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई है कि कराना पड़ेगा। नगर निगम का चुनाव, पंचायती ग्राम पंचायतों का हर 5 साल में कराना पड़ेगा, जैसे अपने MP में अभी चुनाव हुआ है नगर निगम में भी और ग्राम पंचायतों में भी। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई कि ये होंगी। कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दिया गया था। देखिए, इसमें सभी का ध्यान रखा गया है, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, चाहे अनुसूचित जनजाति हों, पिछड़ी जाति हों या महिलाएँ हों, सभी महिलाओं को एक तिहाई, ये ध्यान रखना है, एक तिहाई, ठीक है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया। राज्य चुनाव आयोग जो कि राज्य लेवल पे करता है, तो स्वतंत्र आयोग, यानी कि अपने से निर्णय ले कब चुनाव कराना है कब नहीं, जो भी खर्चा होगी सरकार देगी, ठीक है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है, कुछ हिस्सा, ठीक है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता, पंचायती राज के नाम से जाना गया था, जो कि पंचायत यानी ग्राम में होता है, सही है ना। कि बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे क्या दिया गया है इसमें। देखिए, ये कुछ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्यों को चलाते हैं, इसी तरह से जिला परिषद के प्रधान को जिले का शासन चलाना चाहिए, फिर जिलों का शासन कलेक्टर या जिलाधिकारी क्यों चलाते हैं, बताइए, बड़ा सवाल है यहाँ पे। देखते हैं इसमें क्या कंक्लूजन निकलता आगे, है ना। इनके मन में ये उलझन आ रही है, सही बात है, प्रधानमंत्री देश चलाता है, सही बात, राष्ट्रीय लेवल का होता है, मुख्यमंत्री राज्य को चलाते हैं, इसी तरह से जिला परिषद जो होता है कि प्रधानों को जिले का शासन चलाना चाहिए, फिर जिलों का शासन कलेक्टर या जिलाधीश क्यों चलाते हैं, सही बात, चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ हमारा पिछला, हाँ, व्यवस्था ग्राम चिंतक के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की भी व्यवस्था की गई है। एक ग्राम पंचायत होती है, यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते, सही बात है, जैसे हमारे गांव में ही 8 वार्ड हैं, उसमें से अलग अलग वार्डों के सदस्य चुने जाते हैं, जिसका एक अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच घोषित किया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष होता है, सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है, सही बात है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है, प्रधान या सरपंच। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। ये पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है, कि साल में कम से कम 2 या 3 बार कि हम इस साल क्या करने वाले हैं अपने अपने पंचायत के लिए। इसके लिए सभी वार्ड के सदस्य बुलाए जाते हैं और अध्यक्ष भी, यानी कि सरपंच भी होता है वहाँ पे, ठीक है। पंच और सरपंच दोनों होते हैं, जो कि मिलकर ये तय करते हैं कि इस साल ये किया जाएगा और इस साल ये व्यवस्था की जाएगी, जो 5 साल का पूरा संचित बजट होता है, ठीक है, निर्णय लेते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है, करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। स्थानीय शासन का ढांचा जो है जिला स्तर का तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। कई पंचायत जब मिल जाती हैं तो एक पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्थायी पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव कौन करता भाई, इसके सदस्यों का चुनाव इसके इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। ओहो, पंचायत सदस्य चुनते हैं उनको, है ना। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है।
देखिए अब यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है, यहाँ पे डीप दिया गया है प्रखंड स्तरीय, यानी कि इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय कहते हैं, जो कि ग्राम पंचायत के लोग मिलकर के पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इनके इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद, जब पंचायत समितियां बहुत सारी मिल जाती हैं तब जिला परिषद बनता है, गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। यानी कि जिला परिषद में कुछ अधिकारी भी होते हैं, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद या विधायक भी हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जो प्रमुख होता है परिषद का, वो राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। देखो नगर पालिका और नगर निगम, यानी कि नगरों में आपका जैसे शहर है, जैसे रीवा शहर है तो नगर पालिका है, बड़े बड़े नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। निर्वाचित यानी वोट लड़ते हैं, चुनाव में तैयार होते हैं, उसके बाद उनको चुना जाता है। जो चुनकर आते हैं वो कामकाज को संभालते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारियों को मेयर कहा जाता है, बिल्कुल। नगर निगम यानी कि महानगरों में होते हैं, जिन्हें मेयर कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। पहली बार मैंने मेयर शक्तिमान जो शो आता था उसमें मैंने खुद सुना था, जब उसमें था कि एक शहर का मेयर जो था खुद वो डॉक्टर जयकाल से मिला हुआ था, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरे को कायम रखने में उनकी सहायता करता था, तब मेयर वहाँ पर मैंने सुना था। स्थानीय सरकारों की यही नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे यानी कि सबसे भारत में हुए विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बारे में अखबार के इन कदरों में क्या दिया गया यहाँ पे, यहाँ पे करा कि दुनिया के सबसे अब तक का सबसे बेहतरीन उदाहरण हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, आगे दिया नहीं कुछ इसमें, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग दी गई है, भारत में हुए विकेंद्रीकरण प्रयासों पर अखबार के इन कर्तनों में क्या कहा गया। देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेट लेवल के और यहाँ पे वुमेन इलेक्टेड पंचायत सभी दिया गया है, जो जो केस होते थे यहाँ पे। देखते हैं आगे, ब्राज़ील का एक प्रयोग, ब्राज़ील देश है जिन्होंने एक प्रयोग किया था कि कैसे क्या होगा इसमें, ठीक है, इसमें लगभग अभी कुछ पेज बचे हुए हैं, देख लेते कितने पेज अभी हुए हैं इस चैप्टर में। ज्यादा खैर ये लेसन अब नहीं है, खत्म ही है, बस उनको कर लेते हैं। चलिए, ब्राजील का एक प्रयोग, ब्राजील के शहर पोर्टो एलेग्रे में विकेंद्रीकरण नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया गया। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया, नगर परिषद के समांतर उसी के जैसा काम करने वाला एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दे दिया गया, स्थानीय निवासियों को दे दिया गया, लो भाई तुम्हारे यहाँ की समस्या तुम्हें निपटारो। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। वो देखिए बजट तैयार करने में कि हमारे इलाके में कौन सी कमी है, हमारे इलाके में कौन है। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है जिसका स्वरूप ग्राम पंचायत की तरह, और इनमें उस इलाके से के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती है और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है, इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है, जो अंतिम फैसला लेती है नगर पालिका। यानी कि उसके समकक्ष एक समांतर और एक संगठन बना दिया गया जो कि हर वार्ड की तरह काम करता, वहाँ का हर एक आदमी, यानी कि केवल वार्ड सदस्य ही, पंच और सरपंच ही केवल बैठक बुलाते हैं ग्राम पंचायत, वहाँ का हर एक नागरिक भाग लेता है उसमें। ये अहम बात है क्योंकि नागरिकों से ज़्यादा बेहतर नहीं जानता कोई। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, अब सभी गरीब बस्तियों तक सब बसें जाती हैं और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए, वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की थी, केरल में, देखिए तभी तो केरल ऐसा शिक्षित थोड़ी ना है, बहुत बड़ा है, का प्रयोग है।
नगर पालिका और ग्राम पंचायत को लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। देखिए ग्राम पंचायत और नगर पालिका 36 लाख लोगों को चुनाव, यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो गई। स्थानीय सरकार को लोकतांत्रिक दर्जा है, बताए संवैधानिक अधिकार है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र को उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां काम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें भाग भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार ही नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी अभी दूर हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, खोजबीन पर निकले हम, अपने गांव या शहर की स्थानीय सरकार के बारे में पता करें आप, ठीक है। हाँ, आपके यहाँ कैसे सरकार चलती है? अगर आप गांव में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें। आपका पंच कौन है, आपका सरपंच कौन है, आपकी पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष। यह भी पता करें कि ग्राम सभा की पिछली बैठक कब हुई थी और उसमें कितने लोगों ने भागीदारी की थी। अगर आप शहर में रहते हैं तो नियमित निम्नलिखित के पता करें। आपका काउंसलर नगर निगम या नगर पालिका प्रमुख अपनी नगर पालिका अथवा नगर निगम का बजट और खर्च के मुद्दों पर पता लगाएं, कैसे काम होता है यहाँ पे, कैसे कैसे खर्च होता है। चलिए यहाँ पर देखिए ये प्रश्नावली आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों को उपस्थित दर्जाएं, यानी दर्शाएं मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा जैसे। ये आपकी प्रश्नावली हैं, यहाँ पे आ चुकी हैं, अब सवाल आ चुके हैं। इनको आप देखेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे ये मैचिंग है। देखिए भारतीय संघ दिया है, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। आपने देखा है भाई कि भारतीय संघ राज, ठीक है, नगर निगम में कौन होता है भाई, मेयर जैसे आपने देखा था, ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, सही है ना। राज्य में भाई राज्यपाल होता है मेन, और भारतीय संघ में प्रधानमंत्री होता है। ये सब चीज़ें आपकी जोड़ियाँ, जब आप लेसन समझ गए हो तो आपको दिक्कतें नहीं जाएंगी। आप देख लीजिएगा, दिक्कत होगी तो हम इसको क्वेश्चन आंसर को भी समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपका काम होता है लेसन को समझना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को, फिर ऑब्जेक्टिव को आपको संभालना। इससे क्या होता है, बेहतर तरीके से आप रटना नहीं पड़ता, समझ सकते किसी भी चैप्टर को। समझना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आजकल 100% में 40% आपके बोर्ड में हर सब्जेक्ट का 40% ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि एमसीक्यूज होता है, जिसमें चार ऑप्शन होते हैं। तो ये जरूरी होता है, बिना लेसन को समझे हम क्वेश्चन आंसर के दम पे ऑब्जेक्टिव को नहीं हैंडल कर सकते। तो इसलिए आपका बेहतर इलाज यही है कि आप चैप्टर को समझें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव आप करें, देखिए आपको मजा आएगा। तो ये हुआ हमारा चैप्टर का आज दूसरा अंत हुआ। अगर आप क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो उसको मैं भी समझा दूंगा, अन्यथा हम लोग चैप्टर 3 में चलेंगे और उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। आपका चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की तैयारी अब चलेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।